हालांकि हिंदी के पाठकों और लेखकों दोनों की दिलचस्पी दूसरों के जीवन में झांकने की रहती है, मगर क्या वजह है कि हिंदी में अच्छे जीवनीकारों का लगभग अभाव है? हिंदी में जीवनी लेखन का रिवाज क्यों नहीं है? इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं वरिष्ठ कवि और जाने माने संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी अपने स्तंभ दूसरी आवाज में। दूसरी आवाज में मित्रों, आज मैं लेखकों कलाकारों की जीवनियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि हिंदी में लेखकों कलाकारों की बहुत कम जीवनियां लिखी गई हैं। कुछ तो बहुत प्रसिद्ध हैं, प्रेमचंद की जीवनी जो उनके बेटे अमृत राय ने लिखी, कलम का सिपाही, शरद चंद्र पर विष्णु प्रभाकर ने लिखी आवारा मसीहा, रामविलास शर्मा ने निराला की काव्य साधना के अंतर्गत एक पूरी जीवनी ही उनकी लिखी, पर इसके बाद जीवनियां बहुत शिथिल हैं। और ये थोड़ा विचित्र है, इसलिए विचित्र है कि पिछले 2-3 दशकों में संस्मरणों की बड़ी बहार है हिंदी में। ये भी सही है कि बहुत सारे संस्मरण बदला लेने के लिए लिखे गए हैं, या इस तरह के कुछ बहुत अच्छे कारणों से नहीं लिखे गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर बहुत बड़ी संख्या में संस्मरण लिखे गए हैं और उनमें पाठकों ने बड़ी रुचि ली है। तो जब संस्मरणों में आप रुचि लेते हैं, जिसका मतलब है कि आप लेखकों के जीवन और उनके अवांतर प्रसंगों में, तो फिर उनकी जीवनियां क्यों नहीं लिखते? तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए 4-5 बरस पहले हमने रजा फाउंडेशन से जीवनियां लिखवाने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया। उसमें हाल ही में सत्यदेव त्रिपाठी द्वारा लिखित जयशंकर प्रसाद की जीवनी आई है, जो जयशंकर प्रसाद को एक नए ढंग से, लगभग नए ढंग से प्रस्तुत करती है। उनके जीवन के अनेक मार्मिक प्रसंग, छवियां, उनकी भावनाएं, इन सब का एक बहुत ही अच्छा लेखा जोखा सत्यदेव जी ने किया है। और जयशंकर प्रसाद के जीवन के अनेक मार्मिक प्रसंग उसमें हैं, उस समय की साहित्यिक संस्कृति, उस समय का बनारस, ये सब भी जाहिर है उसमें आए हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट में उसके पहले नागार्जुन, रघुवीर सहाय, सैयद हैदर रजा, भूपेन खक्कर, इनकी जीवनियां आ चुकी और हमारा अनुभव बड़ा दिलचस्प रहा। बहुत मतलब अपेक्षाकृत प्रतिष्ठित लेखकों से हमने आग्रह किया कि वो जीवनियां लिखें, हमने उनको कुछ वित्तीय सहायता भी दी, लेकिन उनमें से कईयों ने नहीं लिखी, कारण जो भी, 2-3 तो दिवंगत ही हो गए दुर्भाग्य से। तो इससे मुझे जो एक जिज्ञासा सी होती है वो ये है कि क्या हिंदी समाज में और हिंदी के साहित्य समाज में, जहाँ दूसरों की निजी जिंदगी में इतनी ताक झांक करने की प्रवृत्ति बड़ी प्रबल और व्यापक है, वहां धीरज से बैठकर अपने से किसी पहले के बुजुर्ग की जीवनी लिखने का उत्साह या जतन
या अध्यवसाय इतना क्षीण क्यों है? पिछले 15-20 वर्षों से मैं जीवनियां एकत्र करता रहा हूं, रॉबर्ट लॉवेल की जीवनी, फ्रांस काफ्का की जीवनी, अल्बेर कामू की जीवनी, डॉग हैमरशोल्ड की जीवनी, वाल्टर बेन्यामिन की जीवनी, ये अद्भुत फर्नांडो पेसोआ की, जो पुर्तगीज कवि थे, लोरका की जीवनी, और ये जीवनियां बहुत मेहनत से और बहुत जतन से, अध्यवसाय से शोध करके लिखी गई हैं। ये सही है कि इनमें से अधिकांश के लेखक स्वयं स्वतंत्र लेखक के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, यानी वो जीवनीकार के रूप में ही अप्रतिष्ठित हुए हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। तो हमने फिर कुछ युवा लोगों को आकर्षित करने के लिए उनसे प्रस्ताव मंगाए, और इस बार हमने इब्राहिम अलकाजी, कपिलावत्स्यायन, शंभू महाराज, इन लोगों पर जीवनियों, और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि ये युवा लोगों ने अपेक्षाकृत अधिक उत्साह दिखाया है और शायद वो अधिक मनोयोग से काम कर रहे हैं। लेखकों का जीवन उनके साहित्य से, कलाकारों का जीवन उनकी कला से क्या संबंध रखता है, क्या तनाव पैदा होते हैं, क्या विडंबनाएं जन्म लेती हैं, ये जानना हमेशा ही बहुत रुचिकर होगा। इसको कहते हैं एक तरह की मानवीय दिलचस्पी पैदा करता है। ये भी हमको समझ में आता है कि लेखक या कलाकार हम जैसे ही मिट्टी के माधव होते हैं, उनके भी अंतर्विरोध होते हैं, उनके भी तनाव होते हैं, उनके परिवारों के साथ अच्छे बुरे संबंध होते हैं, मित्रों के साथ झगड़े होते हैं। हम जानते हैं कि निराला और पंत में झगड़ा हुआ, और पंत और बच्चन में झगड़ा हुआ, जयशंकर प्रसाद को दबाने की तो नहीं लेकिन दरकिनार करने की कोशिश महर्षि शरण गुप्त ने की, वगैरह वगैरह। तो ये सब भी जानना साहित्य को समझने में मदद करता है, और उस समय को समझने में, उस सांस्कृतिक परिवेश को समझने में जिसमें किसी ने रचना की या कोई कलाकृति गढ़ी। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह की लोकप्रियता इन जीवनियों को मिली है जो प्रकाशित हैं अब, उससे भी जाहिर है कि पाठकों की दिलचस्पी इसमें है। तो मैं समझता हूं कि जीवनियां लिखने का ये प्रोजेक्ट अंततः सार्थक और सफल होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।